फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही ज्यादा आसान सा होम रेमेडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी डो रेमेडी जिसे आप यूज करेंगे तो आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होगा। जिनके बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं फ्रेंड्स, दाग हो जाते हैं चेहरे पे, उसे भी ये रिमूव करता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा पैक और साथ में नाइट ग्लोइंग सीरम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस शाइनिंग और वाइब्रेंट लुक। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा दो बोल। इसमें हम बनाने वाले हैं ऑरेंज पील पाउडर और साथ में सैंडलवुड पाउडर का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो निकालेंगे। तो मैंने एक बोल में डाला है सैंडलवुड पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर और एक बोल में मैंने डाला है ऑरेंज पील पाउडर यानी चंदन का पाउडर और साथ में ऑरेंज पील पाउडर, दोनों को अलग अलग रखा है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी अराउंड 2 टेबल स्पून के बराबर गुलाब जल। दोनों में मैं ऐड करूंगी तो गुलाब जल इतना ऐड करना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं अलग अलग बोल में तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका हम निकालेंगे जो एक्सट्रैक्ट है वो चाहिए हमें, पूरी तरह से पाउडर नहीं चाहिए। तो इसका एक्सट्रैक्ट हम निकालने वाले हैं। कोई भी मसलिन क्लॉथ आप ले सकते हैं या दुपट्टा ले सकते हैं जिसका बहुत ही अच्छा सा फाइन कपड़ा होता है तो अच्छे से छन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से स्क्वीज कर लिया है तो आप देख सकते हैं जो ऑरेंज पील पाउडर का एक्सट्रैक्ट है वो निकल चुका है और ये हमें अराउंड 1 टेबल स्पून के बराबर है। तो इसे हम फेंकने वाले नहीं है, इसी का हम मास्क बनाने वाले हैं। तो ये हम एक बोल में रख देंगे। इसी तरह से मैं जो सैंडलवुड पाउडर है यानी चंदन का जो हमने बनाया है गुलाब जल से, उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सेम तरीके से एक मसलिन क्लॉथ में या कोई भी दुपट्टे के कपड़े से। तो फ्रेंड चंदन पाउडर यानी सैंडलवुड पाउडर में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसमें होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ये सन मन को क्योर करता है, एक्ने पिंपल्स स्कार पिगमेंटेशन को रोकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो चंदन का पाउडर है उसका भी मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है और इसे भी हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो दोनों जो है हमें फेंकना नहीं है, इसी का मास्क बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऑरेंज पील पाउडर आपके सन टैन को क्योर करता है, स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग करता है, स्किन को फ्रेश एंड टोन्ड रखता है। साथ में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल जो सीक्रेट होता है जिसके कारण से पिंपल होते हैं उसे कंट्रोल में रखता है। अब मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर ग्लिसरीन। तो ये सारे लोगों को ही सूट करेगा ये जो पैक हम बनाने वाले हैं साथ में सीरम। और मैंने इसमें डाला है एलोवेरा, अभी मैंने सिर्फ ओनली 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल मैंने डाला है 5 to 6 ड्रॉप। अब हम इसमें डालेंगे जो ऑरेंज पील पाउडर का एक्सट्रैक्ट है उसे डाल लेंगे और साथ में इसमें डालेंगे चंदन जो पाउडर है उसका हमने निकाला था एक्सट्रैक्ट, उसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बनेगा हमारा सीरम जो देगा इंस्टेंट शाइनिंग ग्लोइंग सॉफ्ट सपल स्किन देता है और इसके लगातार यूज करने से आपका स्किन बहुत ही ज्यादा एनहेंस होगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आपको रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें एक और टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा डाला है तो इसमें 2 टेबल स्पून टोटल एलोवेरा है और इस सीरम को हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे डाल लेती हूँ एक कंटेनर में। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी समर है तो आप इसे नाइट में ही यूज कीजिएगा, अगर विंटर में आप बनाते हैं तो इसे 3 से 4 बार भी अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कई लोगों का समर में बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है। तो इसीलिए इसे नाइट में लगाइएगा अगर हो सके तो, अगर आपको सूट करता है तो डे टाइम में भी आप इस सीरम को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो एक बोल में मैंने जो चंदन पाउडर का जो एक्सट्रैक्ट था, जो ड्राई मटेरियल था, साथ में जो हमारा ऑरेंज पील पाउडर का ड्राई मटेरियल था उसमें मैंने दूध डाला है और ये हमारा पैक बनकर तैयार है। इसे हम लगाने वाले हैं फेस पे। तो फ्रेंड्स मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी, बट आपको इसे अप्लाई करना है नाइट में स्पेशली तो ये फॉलो करना है हफ्ते में 2 बार और सीरम आपको डेली यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने फेस पे लगा लीजिएगा और पहले से ही फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है। इस तरह से लगाने से जो पिंपल्स होते हैं वो भी नहीं आएंगे और धीरे धीरे आपका स्किन बहुत ही अच्छा सा ब्राइटन होता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पैक लगा लिया है। अब मैं जो बाकी का मटेरियल बचा हुआ है उसे आइस ट्रे में जमा दूंगी। तो आप देख सकते हैं पहले का भी क्यूब्स मेरा जमा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीका है फ्रेंड्स। और इस तरह से जो पैक हमारा बच गया है ये आप 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरह से आपको जमा देना है फ्रिज में, जब आपको यूज़ करना है आप लगा लीजिएगा और फिर फ्रेश बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फेस मास्क को मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा है, हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब आपको हल्का सा स्क्रबिंग करते हुए इसे निकालना है और आप देखेंगे आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस, शाइनिंग और वाइब्रेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे करना है रात में ही कीजिएगा तो ही इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अच्छे से अब मैंने पूरा फेस को धो लिया, आप देख सकते हैं रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग आया है। अब इसके बाद आपको यूज़ करना है नाइट ग्लोइंग सीरम और इसे थोड़ा सा ही लगाना रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। फ्यू ड्रॉप आप लगा लीजिएगा चेहरे पे अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके और बस आपको सो जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फॉलो कीजिएगा, नाइट सीरम को आपको डेली लगाना है और आप देखेंगे स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो, शाइनिंग और टेक्सचर इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।